हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका जीएसटी के सेशन में स्वागत है। और इस सेशन में हम ये समझेंगे कि इनपुट क्रेडिट जो भी एक्सपेंसेस हैं उस पर हम इनपुट क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सो एज अ बिजनेसमैन इन एंटायर ईयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस एक बिजनेस में होते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मंथली ऑफिस रेंट, बिजनेस मीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नाउ मान लीजिए साल भर में 20-25,000-30,000 तक के मेरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाते हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया है, या अदर ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, तो कॉस्ट मुझे मेरे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में देने पड़ते हैं। देन ऑफिशियल रेंट मुझे एवरी मंथ देना पड़ता है 20,000-30,000 का रेंट। तो ओवरऑल 2-3 लाख के मेरे इंटायर एक्सपेंसेस इंटायर ईयर में हो जाते हैं। अब यह जो एक्सपेंसेस है यह सर्विसेज से रिलेटेड है, और मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ जो कि मैं वैट से कनेक्टेड हूँ। तो मैं एज ए ट्रेडिंग वर्क कर सकता हूँ, बट तो सर्विसेज रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है क्या मैं उसका इनपुट क्रेडिट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो वैट से कनेक्टेड हूँ। तो अगर मुझे मेरे सर्विसेज रिलेटेड एक्सपेंसेस के इनपुट क्रेडिट लेने हैं तो एज पर करंट रेजिम रूल मुझे सर्विसेज से खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ सर्विसेज से रजिस्टर करने का कॉस्ट 10 लाख आज के रेजिम में। सो क्या मैं मेरे 3 लाख एक्सपेंसेस के इनपुट क्रेडिट लेने के लिए 10 लाख रुपये देने जाऊँगा? तो इस तरह कई बिजनेसमैन सर्विसेज का इनपुट क्रेडिट लेते ही नहीं है बिकॉज ऑफ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। बट जीएसटी में पॉसिबल है, क्योंकि जीएसटी रिजिम में आप सर्विसेज का भी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। सो आइए हम इस एग्जांपल पे चलते हैं। ये आपका प्रॉफिट लॉस का समरी है, जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, एक्सपेंसेस है 4 लाख और नेट प्रॉफिट 1 लाख है। नाउ इन करंट रिजिम जस्ट अज्यूम कि जो मेरा 1 लाख वैल्यू है इसमें मेरा 10% टैक्स इंक्लूड है। सो अगर मैं 10% ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो 4 लाख के सामने मेरा 40,000 का टैक्स इंक्लूड है, दैट इज ओवरऑल मेरा एक्सपेंसेस कितना हो गया 3,60,000। अब ये 40,000 का जो भी वैल्यू है टैक्स का, मैं करंट रेजिम में इसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले पा रहा, बट जीएसटी में मैं इसका इनपुट क्रेडिट ले पाऊंगा। सो इट मीन्स इन जीएसटी, ओके, इन करंट रेजिम माय एक्सपेंसेस इज 4 लाख और नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। जीएसटी में क्या हो जाएगा? वही एक्सपेंसेस 3,60,000 हो जाएगा और मेरा नेट प्रॉफिट 1,40,000 हो गया। सो माय एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉट 1 लाख बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो टैक्स की 40,000 वैल्यू को इंक्लूड करके 1,40,000 हो गया। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे उसके भी इनपुट क्रेडिट ले पाऊंगा। सो आई होप ये आपको काफी समझ में आया होगा, और आप आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। सो ये आपको पसंद आया तो उसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप आपके कमेंट्स दीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन हैं इसमें आप पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा जीएसटी में, और जब जीएसटी सॉफ्टवेयर लेवल पर आ जाएगा, टैली लेवल पर आ जाएगा, तो उसके भी मैं नए नए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।